Good morning, good afternoon, and good evening to all of you who are watching at different time slots in different areas. Welcome to the English class, and good morning to my class, or good afternoon, or good evening. Now we are going to begin English, क्योंकि purpose हमारा इस class का ये है कि हम आपको English लिखना, पढ़ना और समझना सिखा सकें. तो आज जो हम पहली class है हमारी और हम इसमें सबसे पहली चीज़ जो करेंगे that would be English letters. आप यहाँ देख रहे हैं मैंने letters का word लिखा हुआ है और ये जो words हैं यानी जिनको हम लफ्ज कहते हैं ये letters से बनते हैं. Letters होते क्या हैं? English जो है it is composed of 26 letters. आपने सुना भी होगा ए बी सी डी. हम आज इन्हीं लेटर्स की बात करेंगे क्योंकि ये लेटर्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स मिलकर सेंटेंसेस बनाते हैं जिसको आप जुमले कहते हैं सेंटेंसेस. तो आज हम बात करेंगे लेटर्स की क्योंकि लेटर्स दो तरह के होते हैं इंग्लिश में. मैंने आपसे कहा टोटल 26 लेटर्स है दे कंपोज इंग्लिश यानी इंग्लिश बनी हुई है 26 लेटर्स की. इसमें अपर केस लेटर्स होते हैं और लोअर केस लेटर्स होते हैं. अब अपर केस और लोअर केस इट्स लाइक अ मॉडर्न टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं. वैसे हम कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स भी कह सकते हैं. तो आज हम उसकी बात करेंगे कि अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स कैसे लिखते हैं. जो अपर केस लेटर्स हैं जिस तरह ए दिस इज़ अपर केस ए और अगर मैं इसके साथ दूसरा ए लिखूँ लोअर केस ए वो ऐसे आएगा. ये लाइन्स मैंने इसलिए यहाँ लगाई हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ कि अपर केस और लोअर केस का वर्ड हम क्यों देते हैं. आप देख रहे हैं दीज आर फोर लाइन्स और इन लाइन्स में जब हम लिखते हैं हम इन थ्री लाइन्स को राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं. और अपर केस लेटर जो है क्योंकि वो बड़ा है तो वो ये अपर थ्री लाइन्स को कवर करता है तो इसलिए हम नाम देते हैं अपर केस यानी कैपिटल लेटर कह लें या अपर केस लेटर. लोअर केस क्यों? क्योंकि आप देखें ए जो है वो सिर्फ इस लाइन को कर इससे छोटा है लो यानी नीचे. तो यानी आप जब लोअर केस लेटर्स लिखेंगे वो आप इस लाइन को नहीं यूज़ करेंगे ज़्यादा हम इनको यूज़ करेंगे. पर आगे कुछ लेटर्स होंगे जहाँ हम देखेंगे जिस तरह बी की बात करते हैं बी कैपिटल बी दिस इज अपर केस लोअर केस स्मॉल बी ए अपर केस एंड दिस इज लोअर केस. नाउ सी अपर केस और स्मॉल सी. आप कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर भी बोल सकते हैं अपर केस लेटर्स और स्मॉल केस लेटर्स भी बोल सकते हैं. जिस तरह अगर मैं अभी कुछ वर्ड बताऊंगी आपको जिसमें हम फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं और अगले लेटर्स हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं इसलिए आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपर केस लेटर्स कौन से हैं और कहाँ आपने लोअर केस लेटर्स को यूज़ करना है. ए बी सी के बाद आता है डी दिस इज़ अपर केस डी एंड दिस इज़ लोअर केस डी. देन ई अपर केस ई लोअर केस. देन एफ कैपिटल एफ हो गया एंड स्मॉल एफ. देन जी एंड स्मॉल जी. एच कैपिटल लेटर और अपर केस एच एंड देन स्मॉल एच. देन आई अपर केस आई एंड लोअर केस आई या स्मॉल लेटर. Then J, J, uppercase, and this is lowercase. Then K, uppercase, and this is lowercase. Now, do you notice कि जो uppercase वाले words हैं, वो ये पूरी three lines cover कर रहे हैं. लेकिन लोअर केस का नाम हम क्यों दे रहे हैं? बिकॉज वो सिर्फ इस लाइन में ज़्यादा जा रहे हैं यानी उसी सिर्फ एक दो हैं जिनकी आप लाइंस देख रहे हो थोड़ी ऊपर तक जा रही बट मोस्टली दे आर लोअर केस यानी दैट मीन्स स्मॉल लेटर्स. ये आप इनको एपिट मैंने आपसे कहा कैपिटल लेटर्स भी कह सकते हैं और स्मॉल लेटर्स भी कह सकते हैं. आई जे के एल दिस एल इज अपर केस एल एंड दिस इज स्मॉल एल. देन एम अपर केस एम and then small case m. n uppercase n lowercase n. o that is capital O or uppercase O and this is lowercase o. then p
uppercase. This is small p or lowercase p. इतनी चीज क्लियर है? ओके चलें अब आगे चलते हैं, बिकॉज मैंने आपसे कहा कि टोटल कितने लेटर्स हैं, 26. तो अभी कितने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी 10 लेटर्स और अभी हमने करने हैं. तो अब इनको रखते हैं रब और आगे लिखते हैं. ओके तो हमने अभी तक कवर किए हैं कहाँ तक लेटर्स, पी तक. नाउ विल गो ऑन विद क्यू. दिस इज क्यू, अपर केस क्यू, एंड दिस इज लोअर केस क्यू. दिस इज अपर केस आर क्यू आर, एंड दिस इज लोअर केस. आप देखेंगे कुछ लोग आर को ऐसे भी लिखते हैं, कुछ इस तरह से भी लिखते हैं. तो ये जॉइनिंग राइटिंग्स होती हैं, वो हम भी डिस्कस करेंगे बाद में. बट फॉर नाउ कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस इज़ ऑल्सो स्मॉल आर लोअर केस, ठीक है. तो आप कभी राइटिंग में ऐसे भी लिखा हुआ देखें, प्लीज़ रिमेंबर दिस इज आर, स्मॉल लेटर आर. नाउ एस एंड स्मॉल एस, एंड टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. Now Q R S T. Now U, upper case U and small case U. Then V, upper case V, small case V. Then W, upper case, lower case. X, अपर केस लोअर केस एक्स. देन वाई, अपर केस लोअर केस वाई. जेड, कुछ लोग इसको जेड भी बोलते हैं, कुछ इसको जी भी बोलते हैं. सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज वॉट इज जी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश में दे से जेड और जी, सो इट स्टैंड्स फॉर द सेम लेटर, ठीक है. इसको आप Z भी कह सकते हैं, इसको आप Z भी कह सकते हैं. दिस इज अपर केस Z एंड दिस इज लोअर केस Z. मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, अगर आप लाइंस नहीं यूज़ करें तो दिस इज अपर केस एंड लोअर केस. दिस इज हाउ इंग्लिश बिगिंस, बिकॉज एज वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश हमें पता होना चाहिए कि लेटर्स कौन से हैं. ये 26 लेटर्स हैं जिनके साथ हम लोग अब वर्ड्स बनाएंगे, एंड एवरी लेटर हैज़ अ साउंड, क्योंकि आफ्टर डूइंग लेटर्स हम साउंड्स पे काम करेंगे. व्हाई? बिकॉज जब आप वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, यू सी इन इंग्लिश मैं जैसे वर्ड्स यूज कर रही हूँ, आई एम प्रोनाउंसिंग वर्ड्स, वर्ड्स वर्ड डब्ल्यू ओ आर डी एस वर्ड्स. तो उसमें हर एक लेटर की एक साउंड है. ये जो 26 लेटर्स मैंने यहाँ लिखे हैं, हम जब लेटर्स को लिखते हैं और वर्ड्स बनाते हैं, वी प्रोनाउंस वर्ड्स. प्रोनाउंस करने के लिए लेटर्स को हम लोग उनको जोड़ के वर्ड्स बनाते हैं, फिर हम उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं. तो इसलिए सबसे पहली चीज़ थी हमारे लिए कि हमें ये पता हो कि लेटर्स क्या हैं. अपर केस लेटर्स हैं जो कैपिटल लेटर्स में होते हैं. तो अब हम अपर केस और लोअर केस हमें चाहिए क्यों? जब आप इंग्लिश के वर्ड्स लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ वर्ड एप्पल, फर्स्ट कैपिटल लेटर लेकिन बाकी स्मॉल. नाउ यू सी व्हाट इज़ दिस, कि इस वर्ड एप्पल में फर्स्ट लेटर आपको लिखना था अपर केस, सो दिस इज़ कैपिटल लेटर. आपको पता होगा अपर केस लोअर केस या कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर्स क्या है, तो ही आपको पता होगा अच्छा यहाँ मुझे फर्स्ट लेटर इस तरह से लिखना है कैपिटल में. लेकिन स्मॉल पी दोनों स्मॉल लेटर में हैं, लोअर केस में एल बी और ई बी, ये सारे लेटर्स अब आपने किस में लिखे हैं, लोअर केस में. इसी तरह अगर मैं एक और वर्ड लिखती हूँ, कैट, सी ए टी, मैंने लिखा सी था. जब हम फोनिक्स शुरू करेंगे उसमें आपको बताऊंगी कि सी की साउंड होती है क. नाउ वी विल डू दैट. अभी के लिए इसलिए मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ वर्ड्स, ताकि आपको पता हो कि व्हाई एंड वेयर डू वी यूज़ दीज कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स. क्यों हमने किए हैं लेटर्स? क्योंकि इंग्लिश इसी की बनी हुई है, इसके वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से सेंटेंसेस बनते हैं, एंड दैट्स हाउ यू स्पीक ऑल्सो. अब हमने बात की क्योंकि कैपिटल और स्मॉल लेटर्स की कर ली, नाउ लेट्स गो टू फोनिक्स. अब आपको नेसेसरीली लाइन्स की ज़रूरत नहीं है. इंग्लिश में
साउंड्स को हम बोलते हैं फोनिक्स। अब मुझे बताएं ये सारे लेटर्स कौन से हैं, अपर केस लोअर केस? अपर केस, क्योंकि मैंने सारे कैपिटल लेटर्स लिखे हैं, हैवंट यूज्ड एनी लोअर केस लेटर हियर। चलिए इस लाइन को मिटा देते हैं। नाउ बिगिन विद एवरी लेटर, दैट्स वी आर गोइंग टू डू। पहले था हमारा लेटर ए, अपर केस और लोअर केस में दोनों ही लिख देती हूँ। ए की साउंड होती है ए। जब आप कोई भी वर्ड ए से देखते हैं, ए लेटर लिखा हुआ उसमें, तो आप उसको प्रोनाउंस करते हैं ए। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एंट, इन दोनों में, इन वर्ड्स में आपके पास पी भी है, एल भी है, ई भी है, लेकिन हम क्योंकि फोकस कर रहे हैं अभी ए साउंड पे। ए आप ऐसे भी कैपिटल लिखा हुआ लोगों को देखते हैं राइटिंग में, लोग ऐसे भी लिखते हैं, जैसे मैंने भी लिखा है, लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है? तो ये आपने परेशान नहीं होना, दिस इज़ ए फॉर योर कन्फ्यूजन, क्योंकि मैं मोस्टली कभी कभी कैपिटल ऐसे लिख देती हूँ, मैं ऐसे ही लिखती हूँ, ठीक है? अब एक चीज़ आपने नोटिस करनी है, एप्पल, ए साउंड, यू सी ए, एप्पल, ए एन टी, एंट, अगेन कौन सी साउंड है ए की? ए। अगर मैं यही ऐसे ही वर्ड्स जो भी लिखूंगी ए के साथ, मैं ए की जो साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ दैट इज ए। माउथ को ओपन करके आपने बोलना है इसको, ए, एप्पल, ए से, एंट। और कोई वर्ड मुझे बताएगा ए से? गुड, एनिमल। देयर सो मेनी वर्ड्स, लेकिन इसे मैं प्रैक्टिस के लिए पूछ रही हूँ। और एट, यहाँ क्योंकि टी भी है तो ट, तो इसलिए मैं टी की साउंड दी, एट। अगेन फोकस ऑन द साउंड ऑफ ए, ए। ऑल्दो मैंने बोला ए था, लेकिन उसकी साउंड क्या वो प्रोड्यूस करता है वर्ड्स के अंदर? ए। सो एप्पल, ए साउंड, एंट, ए अगेन, एनिमल, ए, एट, ए अगेन, ए साउंड। इज इट क्लियर? चलें, लेट्स गो टू द, आप और भी वर्ड्स ऐसे मुझे बता सकते हैं और आई शैल मूव फॉरवर्ड। कोई और वर्ड मुझे कोई और बताएगा ए से? एस्टर, ठीक है, हम वो भी लिख सकते हैं, एस्टर इज योर नेम, तो एस्टर, ए अगेन। चलिए अभी ये वाला आर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ इंग्लिश में जो एस्टर का वर्ड है, ये हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है, एस्टर। अगर आप इंग्लिश बाइबल में देखें तो वहाँ ई से लिखा जाता है, ठीक है? उर्दू में हम एस्टर ऐसे भी लिखते हैं, सो वर्ड इज़ फाइन। आपने बोला एस्टर, तो उसमें भी आप ए को ए की आवाज़ से प्रोनाउंस करें, एस्टर। तो क्योंकि वैसे इंग्लिश की लैंग्वेज में हम लोग ई से भी लिखते हैं, दैट इज एस्टर, ओके? वो हम ई की साउंड भी पढ़ेंगे, बट दैट इज़ ऑल्सो अ वर्ड, गुड। चलें जी, लेट्स गो टू द अदर लेटर। नाउ बी, ये रहा अपर केस बी एंड दिस इज स्मॉल केस बी। की साउंड क्या होती है? ब, ब। दोनों लिप्स को आपने मिलाना है साथ, फिर यू ओपन देम, ब। सो ट्राई टू प्रोनाउंस इट, और इसी तरह आपने लेटर्स को प्रोनाउंस करना, बिकॉज आई विल बी टेलिंग यू वर्ड्स, उन वर्ड्स को आपने प्रोनाउंस करना है, लेकिन बी की साउंड क्या है? ब, ब। ओके, लेट्स यूज सम वर्ड्स, बैट। अब बी और ए की साउंड बैट, टी की साउंड क्योंकि यहां पर क्या यूज है? ट, ट। सो बैट, इसलिए ट में हो रही है। आई विल कम टू दैट लेटर शॉर्टली, क्योंकि अभी यहाँ यूज हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो हमारे पास अब दो लेटर्स यहाँ पे, फर्स्ट वालों टू की बात करते हैं, बी और ए। ए की साउंड क्या थी? ए। बी की साउंड क्या थी? ब। सो बैट, टी उसके साथ में लाया मैंने, तो क्या बोला मैंने? बैट। सो बी इज ब, ए इज ए, सो बै। ओके, टी को भी निकाल दो, बै। फिर मैंने टी को जोड़ा सा ट साउंड, तो बैट, दैट्स हाउ आई एम स्टॉपिंग, ट। बी ए बै, बिकॉज ब ए, दोनों मिलाकर बै, एंड देन टी ट। ओके, कोई प्रॉब्लम? ओके, कोई और वर्ड? ब्लू। अब ब्लू में दैट इज अगेन ब, ब्लू, ब। शुरू किससे हो रहा है? ब साउंड से। ओबीसी बात है, एल यू ई की अपनी साउंड्स है, तो हम उसको ब्लू बोल रहे हैं। उन साउंड्स पे भी हम आएंगे, लेकिन क्योंकि हमारा फोकस है अभी बी, तो लेट्स फोकस ऑन दैट। तो हम लोग बोल रहे हैं ब्लू, सो ब साउंड अगेन, ब्लू। कौन सा वर्ड आप बोल रहे थे? गुड, बॉल। ब साउंड, बॉल। कुछ शब्द मैंने देखा है लोग ओ ए इसको बाल भी प्रोनाउंस करते हैं, बट दैट इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन।
यहाँ पे ए जो है बिकॉज़ अ वाउल, आगे हम वाउल्स भी पढ़ेंगे, आई टेल यू व्हाट आर शॉर्ट वाउल्स एंड लॉन्ग वाउल्स. आपने इसको बॉल, बॉल, वो थोड़ी ओ की साउंड लग रही ना, ऑल दो हमें पता है कि ए एज एह यूज़ होता है तो वो बह बहल होना चाहिए, पर आप बहल तो कहीं भी नहीं सुनते. आप इंग्लिश में जब भी कभी ये वर्ड सुनेंगे इट्स ऑलवेज बॉल. इसी तरह कॉट, कॉल, इसी के साथ इस तरह के वर्ड हैं सी के साथ क साउंड, कॉल, अगेन नॉट कॉल, बिकॉज आप लैंग्वेज सीख रहे हैं सो यू नीड टू नो हाउ टू प्रोनाउंस देम. डोंट से कॉल, डोंट से बॉल, इट्स बॉल, कॉल. ओके चले जी, फोकस ऑन बी, फिर जाते हैं उस वर्ड्स पे. सो ब अगेन, बैग, यस, बैलून भी ठीक है. बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं. हमारा फोकस क्या है कि हमने ब साउंड को कह, बैट, बैग, अगेन बी ए ब, तो बै, बी ब साउंड, ए ए साउंड, तो बै, जी इज ग, तो दैट्स व्हेन बैग. बैलून, अगेन ब साउंड, तो बै क्यों मैं बोल रही हूँ इसको, बैलून क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ऑफ ए कंबाइनिंग विद बी, तो अगेन वो ब साउंड जो मैंने ब कहा था उसके साथ मैंने ए यानी ए की साउंड मिलाई है, तो बैलून. ओके सो ए की साउंड क्या है, ए, बी की साउंड क्या है, ब, और हमने थोड़ी सी अब्रिविजन करें फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं. सबसे पहले इंग्लिश इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी लेटर्स, 26 लेटर्स. उसमें आपके पास कौन से से लेटर्स होते हैं, अपर केस, लोअर केस. अगर मैं कहती हूँ अपर केस ए लिख कर दिखाएं, तो अपर केस का मतलब क्या है, द कैपिटल लेटर. तो अपर केस लेटर मीन जिस तरह दिस इज कैपिटल ए, सो दिस इज अपर केस ए. लेटर तो हम इसलिए लिखते हैं कि यहाँ पर हम ए लिख देते हैं ना. लोअर केस यानी स्मॉल लेटर, लोअर केस लेटर्स वो होते हैं जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, तो यहाँ पर इसी का स्मॉल क्या होगा, ए. पहली चीज़ हमने की कि 26 लेटर्स आर देयर एंड एवरी लेटर हैज़ अपर केस एंड लोअर केस, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, तो वो लेटर्स आपको आने चाहिए, कैसे लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए. देन एवरी लेटर प्रोड्यूसेस अ साउंड. साउंड का मतलब है जब आपने वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है, जैसे अभी हमने वर्ड्स लिखे बैट, हैट, कैट, ये सारे वर्ड्स प्रोनाउंस कैसे हो रहे हैं, हमें कैसे पता है कि बैट को बैट कहना है, कैट को कैट कहना है, बॉल को बॉल कहना है, बिकॉज ऑफ द लेटर साउंड जो हम अब फोकस करें. तो अभी हमने बात की दो लेटर्स की जिनकी साउंड हमने की हैं. पहली थी ए, क्या साउंड थी ए की, लाउडली ए, ओके, एंड में थोड़ा ह, ए, ओके, दिस इज द साउंड. सो एप्पल, एप्पल, एंट, एट, ये सारी क्या है, ए साउंड. फिर हमने बात की बी की, ब, ब, पहले लिप्स को जोड़ के बोले ब, ओके, फिर बाहर की तरफ ब्लो आउट ब, तो ये साउंड किसकी है, बी की. सो हाउ डू वी डू इट, बैट, बॉल, ये सारी किस साउंड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, बैट, ब साउंड, ब एंड ए, ए. तो यानी हमने ये क्यों, मैंने ए के साथ हमने वर्ड दिए थे, हमने टू लेटर्स को कंबाइन करने के लिए क्या कहा, बी, बिकॉज दैट इज ब साउंड, दैट इज ए साउंड, सो दैट बिकम्स बैट. अगेन ब साउंड, ए, ए साउंड, तो दैट बिकम्स बॉल. टू वर्ड्स हमने यहाँ लिखे और इनमें थ्री लेटर्स यूज हो रहे हैं, यहाँ थ्री, यहाँ फोर, लेकिन वो जो वॉइसिस हम बोल रहे हैं, जो साउंड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट्स व्हाट इज वी कॉल एज फोनिक्स. फोनिक्स का मतलब ही ये है कि हर लेटर की अपनी एक साउंड है. जब भी आप बच्चों को रीडिंग करवाते हैं तो क्या होता है, उसमें वर्ड्स लिखे होते हैं और बच्चा कैसे सीखता है प्रोनाउंस करना, उसको ये वर्ड्स की साउंड्स पता होनी चाहिए. तो ये दो लेटर्स थे आज हमने किए, ए, ए, बी, ब, एंड यू कैन गिव मी मोर वर्ड्स. जिस तरह हमने कहा ए से एप्पल हो सकता है, ए से एंट हो सकता है, ए से एट हो सकता है, एटमोस्फेयर हो सकता है, हर जगह आपको एक ही आवाज़ सुनाई देगी, ए, एट हो, एटमोस्फेयर हो, एप्पल हो, एंट हो, एट हो, हर चीज़ में आपको क्या वर्ड्स, वॉइस क्या सुनाई दे रही है, ए, और वो आगे दूसरे लेटर्स के साथ कंबाइन करने की वजह से आप एट, एप्पल, प साउंड, इसलिए एप्पल, टी के साथ एट, बट अगेन द साउंड रिमेन्स द सेम, दैट इज ए.
और यहाँ पर भी बी के आप जितने वर्ड्स बनाए, जैसे हमने कहा ब्लू हो सकता है, बॉल हो सकता है, बैट हो सकता है, बैग हो सकता है, बॉट हो सकता है, इन सब में बी की वॉइस क्या है, साउंड ब, बैट ब, बॉल ब अगेन, ब्लू अगेन ब साउंड, बैग ब, बॉट ब, जितने भी ये वर्ड्स हैं अगर आप देख रहे हैं बी से शुरू हो रहे हैं तो आपका पहला प्रोनाउंसिएशन की साउंड क्या होगी, ब, उससे शुरू करेंगे. ओके ओके जी, नेक्स्ट लेटर सी, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी. आप अपर केस लोअर केस भी कह सकते हैं, और मैं बार बार ये बता रही हूँ कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर भी कह सकते हैं. ओके, सी की जो साउंड है दैट इज क, ख, जैसे आप लिखते हैं कैट. नाउ सी एंड ए कंबाइन, ए की साउंड क्या थी, ए, सी की साउंड क्या है, क, तो कैट. सी एंड ए कंबाइन करके क्या साउंड प्रोड्यूस करें, खै. ट, ट वॉइस कहाँ से आ रही है, वो टी से, दैट हैज ट, ट, कैट, सी, क, ए, ए, खै, कैप, अगेन टू लेटर्स एक साथ, सी और ए, सी साउंड क, ए साउंड ए, खै, पी साउंड प, कैप. ओके, सो क यानी के आपकी जो सी की साउंड है वो थोड़ी के यानी क जैसी लगती है. जब आप वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं उसमें आप सी की कौन सी, सी को सी नहीं क करके प्रोनाउंस करना है, कैट, कैप, कोट. नाउ हियर ओ मिल रहा है ना इसके साथ, तो ओ, सी एंड ओ, को, सी ओ को, अगेन सी की आवाज कौन सी है, क, ओ की है ओ, तो क और ओ को आप जब जोड़ेंगे क्या बनेगा, को, बिकॉज ओ ए है क्योंकि दोनों वावल्स हैं, तो इसलिए हम ओट की आवाज कर, ट, ट, टी साउंड, ओ ए, ओ साउंड, थोड़ा लॉन्ग वावल्स होते हैं जिनमें लंबी साउंड जाती है, ओ, तो हम कह रहे हैं कोट, कोट, ओ. अब आप देखिए, अब आप मुझे कहेंगे मिस यहाँ पर तो ए साउंड आनी चाहिए थी, कोएट क्यों नहीं है, राइट, दैट वी विल बी स्टडिंग इन शॉर्ट वावल्स एंड लॉन्ग वावल्स, बिकॉज वावल्स जो होते हैं उसमें जो पहला वावल होता है उसकी साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा साइलेंट हो जाता है, बट वी विल टॉक अबाउट दिस रूल लेटर. अभी हमारा फोकस है कि हम एक एक लेटर की बात करें इसकी साउंड, ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि क्यों हम इसको कोएट क्यों नहीं कहते, why it is pronounced as coat, we will talk about that. कि आपने सिर्फ जहाँ पे दो vowels एक साथ आ जाएं, vowels होते क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, a, i, e, o, u, ये आपके vowels हैं, वो अच्छा ऐसे ही लिख दें, a, e, i, o, u, ठीक है, मैंने i और a पहले कर दिया था, कोई इशू नहीं है, ये सारे ही ये vowels होते हैं. अब देखें a भी vowel है और o भी vowel है, और जब दो वाउल्स एक साथ आ जाते हैं तो एक वाउल की साउंड प्रोड्यूस होती है और दूसरे की साइलेंट हो जाती है. साइलेंट का मतलब है कि उसकी आवाज़ नहीं प्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए इस वर्ड को हम कोएट नहीं कहते, इसको हम कोट कहते हैं. तो ये ओ साउंड किसकी, इस वाउल की प्रोड्यूस हो रही है, ओ की, ए की साइलेंट हो गई, कि ए की तो साउंड मैंने क्या बताई अभी आपको, ए, ए की साउंड तो ए है, तो फिर इसीलिए हमने, क्योंकि पहले कौन सा वाउल आ रहा है, ओ, तो इसलिए पहले हमने किसकी साउंड प्रोड्यूस की है, ओ की, तो इसलिए ए की साउंड अब साइलेंट हो गई. साइलेंट मीन उसकी आवाज को आपने प्रोड्यूस नहीं करना. इस तरह के वर्ड्स में, जिस तरह बोट है वर्ड, अभी पीछे हमने बोट भी किया था ना, बी ओ ए टी, बोट, वहाँ भी अगेन ए की साउंड साइलेंट थी और ओ की साउंड जारी थी. ये चीज़ हम और डिटेल में करेंगे, लेकिन लेट्स फोकस ऑन सी राइट नाउ. ओके जी, ये तो हो गई सी, और कोई वर्ड बताएं सी से, कैट, कैप, केक, गुड, केक, अगेन सी इज एज क, ए, ए, केक, केक, क साउंड, ई साउंड, ऑब्वियसली बिकॉज ये ई साउंड वावल साउंड है, सो ए एंड ई, अगेन दो वावल्स इकट्ठे आ रहे हैं तो के ई नहीं है, ई की साउंड होती है ई, वो हम अभी करेंगे भी. ओके, सो सी ए के ई इज मेकिंग अ साउंड, केक, सो सी साउंड क, ए साउंड ए, सो केक. अभी हम इन्हीं दोनों पे फोकस करते हैं क्योंकि ये साउंड्स मिलती हैं और साथ साथ आप प्रोनाउंस करते हैं. अभी इस वाले वर्ड को हम निकाल ही देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि चीज़ें तो बहुत सारी हैं. लेट्स वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी विल डू स्टेप बाय स्टेप. अभी हम वही लेटर्स लेते हैं जो अभी आपने ज़्यादा किए हैं,
केक ले लेते हैं थर्ड कार गुड कार और मैं दूसरे भी लिखती हूँ अब इन सब में सी ए है ये दोनों साउंड्स आपने कर ली हैं ए की भी कर ली है इस ए सी की भी कर ली है क तो कैट कैप केक कार ओके अगेन ए और सी साउंड कार ओके अब चलते हैं डी पर दिस इज कैपिटल डी दिस इज लोअर केस डी डी की साउंड होती है ड ड ड ड उसमें आपने लिप्स बंद नहीं करने टंग को ड ओके ड ड आपकी टंग आपके पैलेट को टच कर रही है ड ओके क्योंकि अब जहां भी कहीं आप डी से वर्ड लिखा हुआ देखें ड ड लाइक डॉग डी साउंड इज डॉग ड साउंड ओ के साथ कंबाइन करेगी तो डॉग जी ग साउंड है तो डॉग डैड डी एंड ए साउंड डैड डी ड ए अगेन डी ड डैड मैं शुरू भी ड साउंड से कर रही हूँ एंड भी किस पे कर रही हूँ ड साउंड सो स्टार्टिंग विद ड साउंड देन कंबाइनिंग विद ए दैट इज डैड एंड में डी क्यों ड अगेन डी तो डैड ओके सो व्हाई बिकॉज मैं डी की साउंड क्या प्रोनाउंस कर रही हूँ क्या है साउंड उसकी डी की प्रोनाउंस क्या से होगा डैड ये वर्ड क्यों प्रोनाउंस करें क्योंकि ड डी दो बार आ रहा है और ए मतलब तो ड साउंड ए साउंड ड साउंड तीनों साउंड को कंबाइन करके डैड बात समझ आ गई डॉल अगेन डी साउंड विद ओ ठीक है एंड एल ऑल्सो तो हमारे पास डी और ओ डॉल डॉल ड साउंड कंबाइनिंग विद ओ साउंड तो क्या बनेगा डॉल अभी तो हम सिंगल लेटर साउंड करेंगे फिर हम डबल लेटर साउंड्स भी करेंगे ताकि आप दो दो लेटर्स के साथ भी आपको पता हो कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें दो लेटर्स जब मिलते हैं तो उसमें थोड़ी साउंड चेंज होती है तो वो हमने प्रैक्टिस भी करनी फर्स्ट वी विल गो विद सिंगल लेटर्स जिसमें आप देखेंगे कि सिंगल लेटर की जो जो साउंड्स हम पढ़ रहे हैं फोनिक्स में वो क्या हैं देन वी विल गो टू टू लेटर साउंड्स यानी कि दो एक साथ जिस तरह आप देखें ना डी और ओ कंबाइन करते हो डॉ डी ओ डॉ डी ए डै तो ये होती हैं टू लेटर साउंड्स ओके सो ये चीज़ें भी हम करेंगे सो फॉर नाउ गिव मी सम वर्ड इन डी और कोई बताएगा ओके गुड डोर जी डक अगेन ड साउंड ड डी ओ डोर डबल ओ है ना तो हम उसको ड्रैग करेंगे डोर डोर खाली डोर बोलूंगी तो वो सब मतलब आपका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन डोर मगर आप जब दो ओ एक साथ बोलते हैं थोड़ा ड्रैग करते हैं डोर तो आज के लिए हमने कितने लेटर्स की साउंड की हैं फोर ए साउंड ए बी साउंड ब सी साउंड ख डी साउंड ड एंड दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस वर्ड थैंक यू क्लास